मैं भी रहा लोकगीत गायक, राम सिंह यादव कवि हमारे डॉक्टर भैयालाल यादव, आज अपने गीत के माध्यम से अपने कुल वंश के अस्तित्व को बचाने के लिए हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि सचेत हो जाइए। आज आपका हमारा अस्तित्व खतरे में है। कुछ षड्यंत्रकारी लोग आपस में हमें लड़ा करके मिटाना चाहते हैं। कहा गया है कि यादव किसी से हारता नहीं है, यादव का नाश तब होता है जब यादव यादव से लड़ता है। और यह मनवादी विचारधारा के लोग यादव से यादव को लड़ाना जानते हैं, दलित को पिछड़े से लड़ाना जानते हैं। इसके चक्कर में जो आ जाएगा हमारा, हमारे कुल वंश का नाश हो जाएगा। इसलिए वो, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कहना है गीत के माध्यम से अपने भाइयों को, अपने लोगों को, अपने वंशज के लोगों को, क्या बचाई ले बा, बचाई ले पाया जई रे चपानी, बचाई ले बा आ गई रे कपानी, बचाई ले बा आ गई रे कपानी। कैसे कौन कौन इस देश पर राज किया, कहना है पहली लाइन में। प्रमाण मिलता है क्या, अत्रि अहिल्या बुद्ध चंदायर तभैले अयाति से अनुकूल बचाई ले बाया पहिरे कपान, बचाई ले बाया पहिरे कपान। ए बाबू जितना नाम उपरोक्त बताते हैं वो सब अहिर के वंशज के पूर्वज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। याद कर लीजिए, यह भारत भी यादव के नाम पर भारत पड़ा, भरत के नाम पर पड़ा जो यादव थे। तो कहना है दूसरी लाइन में, एक कटु शब्द है क्या, तो यादव कुल भूषण यदु कुल भूषण कृष्ण कलाई अब बाबा बैजनाथ विश्वनाथ पुजारी बचा ले बाया जई रे कपान, जिनकी पूजा पूरे देश विदेश में होती है। आज सबका अस्तित्व खतरे में है, इसलिए जागना होगा और इस अस्तित्व को बचाना होगा। आपस में जो बैर है उसको दूर करना होगा और किसी मनुवाद के चक्कर में नहीं पड़ना है।
नहीं तो हमें लड़ा करके मारना चाहते हैं। वैसे इस धरती पर कोई लड़ने वाला नहीं है, इतिहास गवाह है। यदि कुल का अगर नाश हुआ है तो यादव यादव से लड़कर के उसकी बर्बादी होती है। इसलिए दूसरी लाइन में कहना है कि आप तल्लोरी का सवरू आभोरी का बलकारी, अरे तब बहिया पूजा में जकर दुर्गा महानारी। बचाई ले बा आ गए रे कपार, और हमारे अड़गड़ानंद स्वामी महाराज जी जिन्होंने यथार्थ गीता को लिखा। बहुत बहुत चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं। कुछ वमनवाद किस्म के लोग, वमनवादी सोच के लोग कहते हैं यह यादव यह जो गीत गा रहे हैं यह जातिवाद कर रहे हैं। हम अगर अपने यादव की बात करते हैं तो जातिवाद हो गया, और जो मोदी मोदी कहते हैं जोगी जोगी कहते हैं वो जातिवाद नहीं, वो देशभक्त हो गए, हम देशद्रोही हो गए। वो राष्ट्रवाद की बात लोग करते हैं और हम लोग देशद्रोह हो जाते हैं। कैसे लोग हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट में गालियां ऐसे ऐसे लोग देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे लोगों को मैं कर देता हूँ जो ऐसी विचारधारा के लोग हैं। इसलिए हमारे जितने 85 के लोग हैं, चाहे चौहान हो, राजभर हो, हरजन हो, लोहार हो, कुहार हो, सारी बिरादरी के लोगों को बरगलाया जा रहा है। आप अपने अस्तित्व को पहचानिए और सही हुई उस इंसान को जगाइए, तभी हमारा और आपका विकास हो सकता है। मैं अपने स्वजाति बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आप चौधरी चरण लालू मुलायम जी ने अरे तो चंद्र जी तो राम नरेश सबके सुखदेव पहलवान या जम गरज सानी बचाई ले आज यही रे कपानी। राजनीति में चौधरी चरण सिंह शेर बिहार लालू यादव, धरती पुत्र माननी मुलायम सिंह यादव परचम को फहराया, जिसका नतीजा है कि आज हम हर जगह पर कायम है। और वह दलित की बेटी बहन मायावती अपने सोए हुए लोगों को जगाया, जिससे हर जगह हर लोग छोटे कास्ट के लोग अपने हक और अधिकार को पा रहे हैं। इन नेताओं की देन है। और बारे आजमगढ़ की धरती, जिस आजमगढ़ के धरती का वह लाल सुखदेव पहलवान को बताया गया, आया था एक पहलवान रोहित नाम का, आकर के इसी मऊ के धरती पर चैलेंज कर दिया, कोई हाथ को मिला ले, कोई मिलाने वाला पहलवान नहीं था। लोगों में आश्चर्य हो गया, शोक में लोग डूब गए, क्या इस धरती की का मान सम्मान चला जाएगा।
उस समय बताया जाता है सुखदेव पहलवान बीमार थे, खबर को पाए और पहुंचे वही मऊ के धरती पर। चाह करके दौड़ते हुए हाथ को मिला लिया, कहा हम इस पहलवान से लड़ेंगे। पहलवान जब हाथ मिलाए थे कुश्ती यही होगी, सुखदेव पहलवान ने कहा कुश्ती यहाँ नहीं होगी, हमारे जिले पर होगी यह कुश्ती। और कुश्ती जब होती है उस दो मिनट के अंदर उस पहलवान को पछाड़ देते हैं। ऐसे ऐसे वीरों की धरती है आज अमर की धरती, बर्दाश्त नहीं करती चैलेंज को। तमाम लोग आ रहे हैं बरगला रहे हैं चुनाव में, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आज मनवादी विचारधारा के लोग उसे फंसा कर उन्हें मिटाना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया, लालू यादव मुलायम सिंह यादव, आज अब बागडोर अपने उन नौजवानों के हाथ में दे दे रहे हैं। किसके? बागडोर अखिलेश के जसवी के हाथ सवा के जनता खड़ी भई साथे। बागडोर अखिलेश तेजस्वी के हाथ है, मुलायम सिंह यादव ने वह बागडोर दिया अखिलेश यादव के हाथ में। अब इस जनता की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की हो गई, जाओ और अपने इस जनता की सेवा करो। बिहार के शेरे लालू यादव को इन मनवादियों ने जेल में बंद कर दिया फर्जी तरीके से, पूरा बिहार मायूस हो गया। लेकिन बारे उस बहादुर शेर का बेटा फिर तेजस्वी यादव ने अपने हाथ में बागडोर को लेकर के अपने पीछों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई लड़ने लगे। और आज यह दशा है कि पूरे बिहार के लोग तेजस्वी यादव के साथ हो गए। लालू यादव दबने वाले नेता नहीं है, आज भी वह बहादुर से जेल से दहाड़ मारते हैं। तो आखिरी लाइन में कहना है, राम समुझ भैया लाल, राम समुझ भैया लाल, निरंतर करत बानी बचाई ले आज दशा।